हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पीसीएस का आंसर की। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं अपना, और देख सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इसको 100% आंसर की मानने की गलती मत करिएगा। ऑफिशियल आंसर की नहीं, इसको तैयार किया गया है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, 8 मिनट में। ठीक है, कब है, 8 मिनट में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सही आंसर क्या होगा, दाब है अदिश राशि। ठीक, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा उसको मैं मार्क कर दूंगी, या फिर जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा। चलिए अगला हमारा, वायु में ध्वनि तरंग, इसीलिए मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, 50 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट में क्या मान होता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट में मान होता है 122 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 122 फॉरेनहाइट। ठीक, अगला हमारा, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो हर्ट्ज में आप सभी को पता होगा, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट है हमारा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है शरीर का तापमान। अगला है हमारा, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा को नापा जाता है अमीटर के द्वारा। फिर हमारा कि विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, तो विद्युत शक्ति इकाई है वाट की। अगला हमारा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। लेवेजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 38 हो जाएगी इसकी द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा, 13वां क्वेश्चन है, किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसने वाली गैस। इसके बाद है हमारा कि पानी का पीएच मान कौन सा नहीं है। पानी का पीएच मान इनमें कौन सा नहीं है, तो बी होगा। सही आंसर क्या है हमारा, बी सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस की बात आ रही है, तो इसमें मे बी नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप लोग इसके भरोसे मत रहिएगा, जिसमें श्योरिटी होगी सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अगला हमारा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, तो कांच में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। फिर हमारा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ग्लूकोज का क्या सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। प्राकृतिक रबर वाले में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज किसका बहुलक है, C6H12 और O6 का बहुलक है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन हमारा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत पुरानी पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है डार्विन ने। नेक्स्ट हमारा कि सवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेलोटिज्म। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे जीव रहता है, इसका देखिए सही उत्तर अभी नहीं मिल पाएगा, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। ठीक, तो आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसके द्वारा, माइटोकांड्रिया में। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पे बदलती है, माइटोकांड्रिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है हड्डियों की पढ़ाई। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स होता है विषाणु, या फिर हम लोग कह लें वायरस के कारण होता है एड्स। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन था हमारा कि अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की
46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा, भारत को मेजबान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इसरो और सीनेस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह सीनेस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, फ्रांस। ये जो पहले से लगा इस पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया। तो ये है असंसियन है इसकी राजधानी, जहाँ पे मार्च 2019 में दौरा किया गया था। अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसको नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है, तो दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन गोवा से है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद उनकी जगह किसने लिया, प्रमोद सावंत ने उनकी जगह लिया। नेक्स्ट हमारा, 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है, तो योही शशकावा है इसके विजेता। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट का है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पे खोला गया, तो दुबई में खोला गया है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल। नेक्स्ट है हमारा, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो यहाँ पे है केंटो मोटोटा। कौन है, केंटो मोटोटा। अगला हमारा कि पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र जिसका नाम है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस 2019 इस पर हस्ताक्षर किए, तो एक तो भारत है, नेपाल है, मलेशिया और इंडोनेशिया। पूछ रहा है पांचवा कौन है, तो पांचवा देश है हमारा भूटान। अगला क्वेश्चन हमारा, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25वां शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, यहाँ पे होगा स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट हमारा कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट हमारा, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पे हुई, अजरबैजान में यह बैठक संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन हमारा, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थाई प्रतिनिधित्व कौन था, तो इनसे पहले कौन थे, अशोक कुमार मुखर्जी थे, ठीक है। अगला हमारा कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने 2020 के चुनाव अभियान के लिए भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया, तो यहाँ पे ये कौन है, ये है तुलसी गबार्ड, ठीक, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बुक से हमारा, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है, यही है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट हमारा, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया भारत में अपना पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला है, तो यहाँ पे हैदराबाद में खोला गया है इस शोरूम को। फिर हमारा ओलंपिक से है, तो ये रटा रटा क्वेश्चन है, टोक्यो में हो रहा है 2020 का ओलंपिक, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की सारणी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के रूप में मनाने के कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया, तो 150वीं, और इस बार गांधी जी की भी 150वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट हमारा, भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था, तो 2017 में जो निर्णय आया था उसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होगा, तो ये ब्राज़ील में आयोजित होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, मुकुंदन पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने, तो ये बनी है मालिनी पार्थ शास्त्री, ठीक है, पार्थ सारथी। अगला क्वेश्चन हमारा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई, तो ये थे माननीय एपी शाही थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन थोड़ा सा डाउट होने के कारण जो भी आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी किसे नहीं दिया गया है, तो बिहार को नहीं दिया गया है,
ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, 57वें क्वेश्चन की। यहाँ पे है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? तो ये नालंदा में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? तो इसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2019 में, इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर नहीं मिल पाया है तो इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, तो इसके बारे में आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। अगला हमारा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यता किस नाम से जाना जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने गए हैं। फिर हमारा, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कौन जाना गया? तो सुश्रुत जाने गए हैं औषधि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा कि दाएं से बाएं लिखे जाने वाली कौन सी लिपि है? तो खरोष्ठी लिपि है, दाएं से बाएं लिखा जाता था खरोष्ठी लिपि में, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में फेमस था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये काफ़ी फेमस था। अगला हमारा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। नेक्स्ट है हमारा कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, ठीक है। अगला है हमारा, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था अष्ट प्रधान का गठन। फिर हमारा, किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर नहीं मिल पाया है कि हुगली नदी का प्रयोग कौन करता था समुद्री डकैती के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हम लोग, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन किया था कर्नल स्लीमैन ने। किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। अगला हमारा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। फिर हमारा, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? डांडी से शुरू किया था इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। उसके बाद हमारा, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ। फिर हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी, ठीक। 1857 के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, चलिए हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने किया है। क्वेश्चन नंबर 79 का है कि किस वर्ष डच कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया? 1632 में। और अगला हमारा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया है कृष्ण सिंह ने। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इसका आंसर की मिल सके, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक।